उत्तराखंड में एलटी शिक्षक भर्ती के लिए आज हम लेकर आए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट सेकंड यानी टेट सीरीज सेकंड लेकर आए हैं। इसमें 30 प्रश्न हैं और सभी के सभी जो प्रश्न हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे सिलेबस को कवर किया है और इसी प्रकार से प्रश्न जो थे वो 2018 में भी पूछे गए थे, तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे, किस सूत्र का संबंध आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड से है। तो यहाँ पे पहला दिया गया है विशिष्ट से सामान्य की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, या फिर सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है आगमन विधि का वो है विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। और आपको बता दें कि शिक्षण विधियाँ से जो है इस बार एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, तो इसलिए आपको सभी शिक्षण विधियों के सूत्र भी याद होने चाहिए। तो इसमें अगर हम बात करें तो जो आगमन विधि है इसका जो पूरे जो सूत्र है वो हम आपको बताते हैं। इसका जो सूत्र होता है उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। याद रखिए स्थूल से सूक्ष्म की ओर किसका है, आगमन विधि का है। वहीं विशिष्ट से सामान्य की ओर, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। ये जो जितने भी सूत्र हैं ये सभी के सभी आगमन विधि के हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे अज्ञात से ज्ञात की ओर, तो ये किसका है, तो अज्ञात से ज्ञात की ओर जो है वो विश्लेषण विधि का है, जबकि अगर ज्ञात से अज्ञात की ओर होता तो वो संश्लेषण विधि का होता। और इसके साथ अगर हम बात करें सूक्ष्म से स्थूल की ओर, तो देखिए सूक्ष्म से स्थूल की ओर जो है वो निगमन विधि का है, लेकिन यही अगर अपोजिट होता स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता तो ये आगमन विधि का हो जाता। तो इस प्रकार से यहाँ पे पूछा गया था कि आगमन विधि का कौन सा सूत्र है, तो वो है यहाँ पे विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पर, एक शिक्षक का कार्य है, तो पहला दिया गया है विद्यार्थियों को स्वाध्याय में सहायता करना, विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करना, अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण बनाना, या फिर डी दिया गया है विद्यार्थियों को उनकी गलतियां बताना। तो इसका राइट आंसर यहां पर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक शिक्षक का जो कार्य होता है वो है कि अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण बनाना। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, लर्निंग संबंधी क्लासिकल कंडीशन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दिया। अब देखिए क्लासिकल कंडीशन जिसको कि शास्त्रीय अनुबंध कहते हैं, तो ये किसने दिया था, तो यहाँ पे दिया गया थॉर्नडाइक ने, पेवलोव ने, स्किनर ने, या फिर कोलबर्ग ने। तो ये किसने दिया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे बी सही दिया गया है, पेवलोव ने। तो देखिए जो आपने इसका देखा भी होगा, पेवलोव ने जो ये कंडीशन दी थी वो उन्होंने एक कुत्ते पे प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने कुत्ते को खाने देने के लिए घंटी का प्रयोग करते थे, जिससे कुत्ता जो था कुत्ते को लगता था कि जैसे घंटी बजती है इसका मतलब खाना आ रहा है। तो ये आपने प्रयोग पढ़ा होगा पेवलोव का, तो यही क्लासिकल कंडीशन था। और आपको ध्यान रखना है कि जो पेवलोव थे ये एक रशियन साइंटिस्ट थे और इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस परीक्षण व मूल्यांकन का सीधा संबंध बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू से माना जाता है। तो पहला दिया गया है यहाँ पे रचनात्मक परीक्षण, फॉर्मेटिव टेस्ट, उपचारात्मक परीक्षण, रेमेडियल टेस्ट, या फिर निदात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट, या फिर योगात्मक परीक्षण, सोमेटिक टेस्ट। तो किस परीक्षण का मूल्यांकन का सीधा संबंध जो है वो बुद्धि लब्धि से है, तो वो है यहाँ पे निदात्मक परीक्षण। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पर सही दिया गया। अब देखिए जो नैदानिक परीक्षण होते हैं वो क्यों कराए जाते हैं, तो इससे जो है छात्रों की ताकत और कमजोरियों का पता लगाया जाता है, और उसके आधार पर यानी जो विद्यार्थी हैं उनकी क्षमताओं के अनुरूप क्या करा जाता है कि कार्य प्रणाली बनाई जाती है, और उन्हीं के विद्यार्थियों की क्षमताओं के आधार पर ही पाठ्यक्रम को भी तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो इसका आंसर पूछा गया था उसका राइट आंसर यहाँ पर सी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रमाण पत्र से है। तो विद्यालय दिया गया है, परीक्षा है, मूल्यांकन, नामांकन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो पांचवें का जो राइट आंसर है वो यहाँ पे सी सही दिया गया है, मूल्यांकन से। अब देखिए आरटी के बारे में आपको ध्यान रखना है, जो आरटी अधिनियम है ये कब लागू हुआ था, तो ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। और इसके साथ ही याद रखना कि भारत जो है आरटी को लागू करने वाला 135वां देश बन गया। इससे पहले 134 देशों ने आरटी पहले ही लागू कर लिया था, जब भारत ने 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू किया उसके बाद भारत जो है 135वां देश बन गया। और याद रखिए कि इसमें जो है 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों को फ्री एजुकेशन दी जाती है। लेकिन अगर एक क्वेश्चन और बनता है जो कि 12 पूछा जाता है कि अगर दिव्यांग बालक हैं यानी डिसेबिलिटी वाले बालक हैं तो उनके लिए इसमें कितनी
साल की छूट दी गई है, तो उनके लिए जो है 6 से लेकर 18 साल तक फ्री एजुकेशन दी जाती है। तो याद रखिए कि दिव्यांगजन या फिर डिसेबिलिटी वाले जो छात्र हैं तो उनके लिए 18 वर्ष तक इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे भारत में कौशल यानी स्किल सिखाने का क्रम है, तो सुनना बोलना पढ़ना लिखना, लिखना पढ़ना बोलना सुनना, या फिर बोलना सुनना पढ़ना लिखना, या लिखना पढ़ना सुनना बोलना। तो भारत में इसका कौशल जो स्किल है उसको सिखाने का क्रम क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर सुनना बोलना पढ़ना और लिखना है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्रियात्मक शोध यानी एक्शन रिसर्च का संबंध शिक्षक प्रशिक्षण से है जिसका अभिप्राय है, तो ए दिया गया यहाँ पे ज्ञान का व्यवहार, बी दिया गया यहाँ पे ज्ञान का परिज्ञान, सी दिया गया यहाँ पे ज्ञान का विश्लेषण, और डी दिया गया ज्ञान का चिंतन। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा पहला सही दिया गया है, ज्ञान का व्यवहार। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्रियात्मक अनुसंधान की, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है, और हमने आपको पहले भी बताया था जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है इसका जो उद्देश्य होता है वो किसी समस्या को समाधान करके उसमें सुधार करना होता है। और आपको बता दें कि ये जो है शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ ये सभी प्रकार की समस्याओं में प्रयोग किया जाता है। और हमने आपको बताया था कि क्रियात्मक अनुसंधान जो शब्द था वो सर्वप्रथम किसने दिया था, तो वो कॉलियर और लुविन ने दिया था, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान को व्यवहारिक बनाने का जो श्रेय जाता है वो स्टीफन एम कोरे को जाता है। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जितना भी आपका ये सिलेबस है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन सभी सिलेबस को यहाँ पर हमने कवर करके बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे शिक्षा का अधिकार है, एक्शन रिसर्च है, मापन मूल्यांकन है, शिक्षण विधियाँ हैं, बुद्धि है, व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, अधिगम है। तो इन सब टॉपिक से आपको इसमें प्रश्न मिलेंगे, कोई भी टॉपिक हमने यहाँ पर नहीं छोड़ा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं या फिर इसी प्रकार के अगर आपको 20 टेस्ट सीरीज एक साथ चाहिए, क्योंकि हम आपको बता दें कि ये टेस्ट सीरीज जो है हमारे ग्रुप में चल रही हैं, तो अगर आपको इनकी पीडीएफ सहित आपको चाहिए तो आप जो हैं वो हमारे पेड ग्रुप से ले सकते हैं। इसके लिए 300 फीस है, और आपको जो है इस प्रकार से आंसर की के साथ ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, और 20 टेस्ट सीरीज मिलेंगे जिसमें से हमने 10 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज अभी तक करवा दिए हैं, तो वो भी आपको मिल जाएंगे, और साथ में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। तो अगर आप जो हैं इनकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप जो हैं हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, और व्हाट्सअप नंबर पर हम आपको ये भेज देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8410988031। क्योंकि समय कम है, अगर आपको एक साथ ये पीडीएफ चाहिए और अगर आपको नोट्स वगैरह भी चाहिए टीचिंग एप्टीट्यूड के, तो वो भी हम वहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे जिसमें हमने 13 से 14 टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हमने कवर किया हुआ है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाए गए ये हैंड रिटन नोट्स है, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एनसीएफ 2005 मुख्यतः किस पर आधारित है, तो यहाँ पे दिया गया व्यवहारवाद, या नेक्स्ट है यहाँ पे संज्ञानात्मकवाद, मानवतावाद और संरचनावाद। तो यहाँ पे ह्यूमेनिज्म दिया गया है, मानवतावाद, संरचनावाद, तो किस पर आधारित है एनसीएफ जो 2005 है वो मुख्यतः किस पर आधारित है, तो ये जो है ये संरचनावाद पर आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर वो यहाँ पे डी सही दिया गया है। अब देखिए एनसीएफ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको यहाँ बता रहे हैं। तो एनसीएफ जो 2005 है, इससे पहले भी एनसीएफ जो है वो 3 बार पहले भी आ चुका है। तो कब तक, तो एनसीएफ 1975 में आया था, एनसीएफ 1988 में, और एनसीएफ 2000 में। और जो ये है एनसीएफ 2005, ये चौथा एनसीएफ है। और इसमें देखिए एनसीएफ के लिए सबसे पहले जो है एक रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक निबंध लिखा था जिसका नाम था सभ्यता और प्रगति। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। तो इनका जो निबंध था उसका नाम क्या था, सभ्यता और प्रगति। रविन्द्रनाथ टैगोर का एक निबंध था जिसमें इन्होंने बताया कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए, ये सब बताया था। उसके बाद ही यहाँ पर अगर हम बात करें तो एनसीएफ 2005 आया हुआ था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पे पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, तो यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, परसोना दिया गया है, फ्री सोना दिया गया है, फ्रो सोना दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या होगा, तो आपको ये देखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर पहला सही दिया गया है, परसोना। तो यहाँ पे स्पेलिंग दोनों की सेम हो गई है, लेकिन पहला ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया परसोना, इसमें थोड़ा यहाँ पर स्पेलिंग ए होना चाहिए था।
तो पहला वाला ऑप्शन याद रखना कि इस प्रकार से परसोना सबसे हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार सेल्डन व्यक्तित्व सिद्धांत से सम्मिलित नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया गोलाकार, आयताकार, चौकाकार और लंबाकार। अब देखिए सेल्डन के बारे में, तो सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर किस प्रकार के उन्होंने नहीं बताया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है चौकाकार। अब देखिए जो सेल्डन थे, इन्होंने सेल्डन ने बॉडी टाइप और पर्सनैलिटी के बीच रिलेशनशिप बताया था, और सेल्डन ने लोगों की बॉडी को तीन भागों में डिवाइड किया था, जिसमें एंडोमॉर्फ, ठीक है, जिसको गोलाकार कहते हैं एंडोमॉर्फ, आयताकार जिसको मीजोमॉर्फ कहते हैं, और एक्टोमॉर्फ जिसको लंबाकार कहते हैं। तो तीन भागों में डिवाइड किया था सेल्डन ने, किसमें, एक तो गोलाकार जिसको कहते हैं एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ, और इस इन तीन में डिवाइड किया था, और इसके आधार पर इन्होंने पर्सनैलिटी बताई थी। तो देखिए जो एंडोमॉर्फ हैं यानी जो गोलाकार हैं, इसमें जो जो व्यक्ति जिनकी बॉडी जो होती है राउंड यानी गोल होती है, सॉफ्ट बॉडी होती है, बड़े पेट वाले होते हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी किस प्रकार की होती है, तो वे ज़्यादा आराम करने वाले होते हैं, सामाजिक होते हैं, स्नेहशील होते हैं। जबकि अगर हम आयताकार की बात करें, तो आयताकार में जिन व्यक्तियों की बॉडी जो है मस्कुलर बॉडी होती है, स्ट्रांग बॉडी होती है, तो उन वो जो होते हैं वो उनकी पर्सनैलिटी किस प्रकार की होती है, तो वे अग्रेसिव होते हैं, साहसी होते हैं, निडर होते हैं, फुर्तीले होते हैं और आशावादी होते हैं। जबकि जो लंबाकार यानी जो एक्टोमॉर्फ हैं, इसमें इन जिसमें व्यक्ति की जो बॉडी है, अगर इसमें अगर व्यक्ति की बॉडी जो है पतले लोग हैं, स्मॉल हैं, स्मॉल बोन्स वाले हैं, नाजुक हैं, लंबे हैं, अविकसित सीने वाले होते हैं इस प्रकार में, तो उनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो कैसे होती हैं, तो वे संकोची होते हैं, निराशावादी होते हैं, असामाजिक होते हैं और चिड़चिड़े टाइप के होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहीं से 2018 में इसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, और आपको याद रखना है कि जब अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सेल्डन वाला जरूर पढ़ लें इसको अच्छे से, क्योंकि यहाँ से पिछली बार भी प्रश्न बना था और इस बार भी बन सकता है। तो इन तीनों को अच्छे से याद कर लें कि किसकी बॉडी किस प्रकार की होती है, तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, ये आपको जरूर पढ़ लेना है। अब हम आपको यहाँ पे 2018 का प्रश्न भी यहाँ पे दिखा देते हैं, तो देख सकते हैं 2018 एलटी का पेपर है, और इसमें यही प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था कि आयताकार शारीरिक रचना वाले व्यक्ति में पाए जाने वाले व्यक्तित्व तो गुण होते हैं, यानी जो मीजोमॉर्फिक वाले होते हैं वो कैसे गुण होते हैं, तो इसको हमने आपको बताया। देखिए यहाँ पे जो परंपरावादी और सामाजिक वाले हैं ये कैसे होते हैं, तो एंडोमॉर्फ वाले हो गए, क्योंकि इनका शरीर जो होता है गोल होता है और इस प्रकार से होते हैं, ये परंपरावादी होते हैं और सामाजिक होते हैं। जबकि जो एक्टोमॉर्फ वाले हैं, जिसमें लोग पतले होते हैं, स्मॉल बोन वाले होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो असामाजिक वाले होते हैं। ठीक है, और शांति प्रिय और एकांत प्रिय, और इसके साथ सी दिया गया था जोशीले एवं क्रोधी। तो देखिए जो आयताकार वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, जोशीले होते हैं, क्रोधी होते हैं, साहसी होते हैं, निडर होते हैं, ये एडवेंचरस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन सही दिया गया था, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि जो ये पर्सनैलिटी में जो सेल्डन ने जो दिए हैं व्यक्तित्व के टाइप, ये आप जरूर पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का सूत्र 1912 में किसने दिया, जिसमें मानसिक आयु वास्तविक आयु का वर्णन था, तो ये किसने दिया था, तो ये था सबसे पहले याद रखिए स्टर्न ने दिया था। अब देखिए स्टर्न और टर्मन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूजन बना रहता है, तो इसलिए आप इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, तभी आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, वरना आप स्टर्न और जो टर्मन है इसमें आप डिफ्रेंस नहीं बता पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ए सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन के साथ अंत बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है, तो यहाँ पे देखिए उत्प्रेरणा, आवश्यकता, पुरस्कार या फिर संवेग, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंस प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, सीखने की विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, अधिगम को एक समान गति पर बल देना चाहिए या फिर कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। तो देखिए जो शिक्षार्थी होती हैं उसमें शिक्षार्थियों जो विद्यार्थी या शिक्षार्थी जो होते हैं उनमें इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, तो ऐसे में शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो ऐसे में शिक्षक को अगर हम बात करें तो सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, थिंकिंग से किस चिंतन यानी थिंकिंग में व्यक्ति किसी घटना, तथ्य अथवा वस्तु की सच्चाई स्वीकार करने से पहले उसके गुण दोष की परख कर लेता है, तो यहाँ पे दिया गया सृजनात्मक चिंतन या फिर दिया गया आलोचनात्मक चिंतन, स्वालीन चिंतन या फिर अभिसारी चिंतन, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे बी सही दिया गया, आलोचनात्मक चिंतन। ये थोड़ा सा
टाइपिंग मिस्टेक है तो आलोचनात्मक चिंतन, तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य सामग्री अधिक लाभप्रद होती है, तो टेलीविजन दिया गया, प्रोजेक्टर दिया गया, सिनेमा दिया गया है, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर दिया गया है, तो कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री जो है अधिक लाभप्रद है, तो वो है यहाँ पर टेलीविजन, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही दिया गया क्योंकि टेलीविजन से बहुत से इन्फॉर्मेशन मिलते हैं और ये जो है ये श्रव्य दृश्य का साधन भी है। नेक्स्ट, यहाँ पे शिक्षक एक कक्षा में निम्नलिखित में से किसके रूप में कार्य करता है जिससे शिक्षक को विद्यार्थियों की सहायता केवल तब तक करनी चाहिए जब तक हो, तो संसाधक, आयोजक, मूल्यांकन या फिर भागीदार, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो है वो है डी, भागीदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बालक औपचारिक रूप से सामाजिक परिपक्वता यानी सोशल मैच्योरिटी की ओर किस प्रकार बढ़ता है, तो विद्यालय वातावरण से, वातावरण में, मित्र समूह में, पास पड़ोस में या फिर घर परिवार में, तो सामाजिक परिपक्वता किस प्रकार से बढ़ता है, तो इसका राइट आंसर वो है विद्यालय वातावरण में, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है क्योंकि देखिए यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है ये औपचारिक रूप से पूछा गया था इसलिए इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कक्षा में विचार संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन ऑफ थॉट को ठीक करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो छात्रों को तैयार करें, विषय वस्तुओं को खूब पढ़े, कक्षा में शांति का माहौल बनाए या फिर छात्र को भी सहयोगी बनाए, तो देखिए कम्युनिकेशन के लिए क्या जरूरी है, तो वो है यहाँ पर छात्रों को भी क्या करना चाहिए, सहयोगी बनाना चाहिए, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कक्षा शिक्षण को रुचिकर बनाने का सबसे प्रभावी तत्व क्या है, तो पाठ योजना, अध्यापक का व्यक्तित्व, शिक्षण विधि या फिर पाठ्य सामग्री, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे डी सही दिया गया है, पाठ्य सामग्री, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। तो देखिए क्योंकि अगर कक्षा शिक्षण की बात की गई है, अगर रुचिकर बनाना है और प्रभावी बनाना है तो उसके लिए जो पाठ्य सामग्री है उसको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा किस प्रकार की पाठ्य सामग्री है, और अगर वो जो पाठ्य सामग्री है बालकों के अनुरूप है तो ही जो कक्षा शिक्षण है वो रुचिकर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे शिक्षा की दिशा कौन निर्धारित करता है, छात्र, पाठ्यक्रम, शिक्षक या अभिभावक, तो दिशा की बात कही गई है यहाँ पे शिक्षा की दिशा, तो ये जो है शिक्षक जो है वो निर्धारित करता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर शिक्षक में कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है, तो कक्षा अनुशासन रखता हो, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करता हो, समय का पाबंद हो या फिर अच्छा वक्ता हो, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी सही दिया गया, जो छात्रों की कठिनाइयों को दूर करता हो। नेक्स्ट, यहाँ पे शिक्षण अधिगम यानी टीचिंग लर्निंग से संबंधित अनुभव का शंकु कोन ऑफ एक्सपीरियंस को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था, तो जॉन डीवी दिया गया, किलपैट्रिक दिया गया, एडलर डेल दिया गया, फ्रॉवेल दिया गया, तो लर्निंग अधिगम का जो शंकु अनुभव है वो किसने किया था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है, तो ये है एडलर डेल ने, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट, यहाँ पे एक अध्यापक विद्यार्थियों के अधिगम की कठिनाइयों को ज्ञात करना चाहता है, निम्नलिखित में से किस परीक्षण को उपयोग में लाया जा सकता है, तो यहाँ पर दिया गया है संकलात्मक परीक्षण, निर्माणात्मक परीक्षण, निष्पादन परीक्षण या फिर नैदानिक परीक्षण, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या होगा, तो वो डी यहाँ पर सही दिया गया है, नैदानिक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही देगा। नेक्स्ट, यहाँ पे शिक्षार्थियों के लिए सतत एवं समग्र मूल्यांकन में प्रभावी जोर किसने दिया, तो ये किसने दिया था सतत और समग्र मूल्यांकन का जोर, तो ये दिया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट, यहाँ पे शैक्षिक अनुसंधान में सबसे अधिक किस प्रविधि का प्रयोग किया जाता है, तो शैक्षिक अनुसंधान में सबसे अधिक किस प्रविधि का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है वो है यहाँ पे साक्षात्कार का, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सक रहा है अथवा नहीं, उक्त परिभाषा है, तो उक्त परिभाषा किसने दी थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर बी, क्रोन बैंक ने, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जब हम किसी नई बात को सीखते हैं तब हम सीखने में लगातार उन्नति नहीं करते, सीखने की गति कभी धीमी और कभी तेज होती है, लेकिन जब सीखने में उन्नति बिल्कुल रुक जाती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको अधिगम पठार कहते हैं। जब एकदम रुक जाती है उन्नति बिल्कुल रुक जाती है तो उसे क्या कहते हैं, अधिगम पठार। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। अब देखिए यहाँ पे देखें, निश्चित से अनिश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, सरल से कठिन की ओर और निगमन से आगमन की ओर, तो कौन सी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर डी सही दिया गया, निगमन से आगमन की ओर, ये यहाँ पर शिक्षण सूत्र नहीं है जबकि आगमन से निगमन की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकते हैं, तो यहाँ पर दिया गया महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप में बर्ताव कर या फिर उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो एक शिक्षक जो है वो सामाजिक मूल्यों को किस प्रकार से विकसित कर सकता है, तो वह है आदर्श रूप से बर्ताव करके। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो दिया गया वो यहाँ पे सही दिया गया। नेक्स्ट है यहाँ पे, सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग का प्रथम पद होता है, तो शिक्षण, योजना बनाना, प्रतिपुष्टि या फिर प्रस्तावना, तो इसका जो राइट आंसर है वो है योजना बनाना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से हमने यहाँ पे सेकंड पार्ट के, इसी प्रकार से हम जो है टेस्ट सीरीज कंटिन्यू करते रहेंगे। तो अगर आपने पहले की टेस्ट सीरीज नहीं देखी है तो सभी के सभी आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं।